ये नजर गया शॉ। हाँ पर ये तो कोई पीछे जा रही है। वैसे इसको ढूंढने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे। मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। वो हम ही जान रहे हैं। और एक ये खबरदार, खबरदार जो सफाई देने की कोशिश की। मैं आ गया। मैं खबरदार जो सफाई देने की कोशिश की थी। तभी टेंशन देके हम फरार हो जाए। और तुम बिंदिया, तुम्हारी बहन को हमने अपने घर में जगह दी, उसका ख्याल रखा। और तुम एक फोन करके कम से कम हमें उसके बारे में बता भी नहीं सकती थी। मम्मी ये चोट असली है या कोई नाटक? रोलिंग एक्शन। पता नहीं कि चोट असली भी है या नाटक। बाबू आखिर बात क्या है? तुमको बिंदिया और उसकी बहन के आगे पूरी दुनिया गलत करने लगी। इसको वो बार बार हमारे पास पीछे चली जाती, इसलिए वो बार बार हमारे पास पीछे चली जाती। फिर वो यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। अभी सीक्वेंस के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी क्या होता है कि मैं बिंदिया के घर जाता हूँ और वहाँ पे पहली बार पगफेरे की रस्म होती है, उसके लिए जाता हूँ। फिर वहाँ से रिटर्न आता हूँ तो पायल को भी साथ में लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता कि मैं पायल को कहीं छोड़ करके आऊँ, और उसको साथ में लेकर के आ जाता हूँ। उसके बाद जो घर के अंदर जो सारा ड्रामा चलने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। फैंस के लिए यही मैसेज है कि आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, तो हम हैं, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे लिए। इसे इस घर की मान मर्यादा का ध्यान रखना और आगे से ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिंदिया हाथ जोड़ो। धन्यवाद बाबू। धन्यवाद आप सबको भी। ला उसको आगे करो, आगे करो, आगे करो। तुम पीछे हो, बस पीछे हो बिंदिया। हमको माफ कर दीजिए आप लोग, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सॉरी। एक्शन। आखिर आप लोगों को हो क्या गया? हाँ आपके लाइन से। सॉरी। रोलिंग। पीछे पीछे। रोलिंग। रोलिंग। एक्शन। आखिर आप लोगों को हो क्या गया? इसी इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? साक्षी जरा सोचिए मम्मी जी, अगर ये हरकत हमने की होती तो क्या इतनी आसानी से माफी मिलती हमको? एक्शन। जरा सोचिए मम्मी जी, अगर ये हरकत मैंने की होती तो क्या इतनी आसानी से माफी मिलती मुझे? बस और ये आखिरी चेतावनी है तुम्हारी। अगर आइंदा ऐसी हरकत हुई तो इस घर में रहना तो दूर, तुम्हारा दोबारा आना भी मुश्किल। अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बहन के लिए तो जीवन में थोड़ा सुधार लाओ।